A very good morning, dear students. Today we will do the exercise of chapter number 4. So open page number 44 and the first exercise is pick the correct option. Okay, so the first one is Windows 8 has simplified the task of dash data in computer. सो विंडोज़ 8 ने कौन से टास्क को सिंप्लीफाई किया था कि हम किस तरीके से अपने डेटा को कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो द राइट आंसर इज मैनेजिंग, MANAGING, मैनेजिंग. ओके, सो विंडोज़ 8 ने हमारे डेटा को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कंप्यूटर में, इस टास्क को सिंप्लीफाई किया था. ओके, now second one is the data in a computer is dash in the form of files and folders. So जो भी हम कंप्यूटर में डेटा को सेव करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स में करते हैं. ओके, सो जनरली हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कैप्ट कर रहे हैं. ओके, बट हम इसे क्या कहेंगे कि हम किस तरीके से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. सो द राइट आंसर इज ऑर्गेनाइज्ड, ORGANIZED, ऑर्गेनाइज्ड. ओके, हम डेटा को सेव तो करते ही हैं अपने फाइल्स और फोल्डर में, कैप्ट भी कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उसे अपने डेटा को एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में, फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में. ओके, जिससे हम ईजिली अपने डेटा को एक्सेस कर सकें, हमें अपनी फाइल्स या फिर कोई भी फोल्डर्स को फाइंड करने में ईजी हो. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स में. नाउ थर्ड वन इज द यूटिलिटी विल डैश योर कंप्यूटर आफ्टर इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट. तो यूटिलिटी क्या करती है, हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करती है. जब भी हम अपने कोई भी विंडोज 8 को अगर अपडेट करेंगे या कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, हम नॉर्मली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नहीं, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर अपडेट करेंगे तो यूटिलिटी क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रीस्टार्ट, RESTART, रीस्टार्ट. सो अगर हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते हैं तो जैसे ही हमारा वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो यूटिलिटी हमारे कंप्यूटर को क्या करेगा, रीस्टार्ट करता है. ओके, नाउ लास्ट वन इज प्रेस योर कंप्यूटर्स पावर बटन. जब भी हम अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे, योर कंप्यूटर स्टार्ट्स, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करे होगा, एंड योर विंडोज 8 डैश अपेयर्स. विंडोज 8 हमें क्या अपेयर करेगा, लॉक स्क्रीन. ओके, सो द राइट आंसर इज लॉक स्क्रीन, LOCK, लॉक SCREEN, स्क्रीन. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. फर्स्ट इज in Windows 8 screen you can get less amount of information. So Windows 8 की screen में आपको बहुत कम information provide होती है. So this statement is false. हमें Windows 8 में सबसे ज़्यादा information provide होती है. Okay? So this statement is false. Now the next one is the Windows 8 desktop will look familiar to you if you have used previous version of Windows. So अगर आपने previous version की अगर Windows use किए होंगे तो आपको Windows 8 का भी desktop कैसे दिखेगा, बिल्कुल उसी की तरह familiar दिखेगा. Okay? So this statement is true. ये statement हमारा true है. Okay? Now the next one is Windows version prior to Windows 8 are known as legacy programs. So Windows 8 की जो versions होते हैं, ठीक है, तो हम Windows 8 को क्या कहते हैं, legacy programs कहते हैं. Okay, so this statement is also true. Now the fourth one is the colorful tiles on the Windows 8 start screen represent apps or programs.
जब भी हम अपने विंडोज़ 8 को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो स्टार्ट स्क्रीन शो होती है तो हमारे पास कुछ ब्लॉक्स बने हुए आते हैं ओके स्क्रीन पे। उन ब्लॉक्स पे को हम क्या कहते हैं, कलरफुल टाइल्स कहते हैं। और उन कलरफुल टाइल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एप्स या फिर हमारे कोई भी प्रोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं ओके। सो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ द फिफ्थ वन इज द IE10 इज द न्यूएस्ट वेब ब्राउजर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। IE10 क्या है, हमारा एक वेब ब्राउजर का नेम है ओके। सो वेब ब्राउजर कौन से वेब ब्राउजर का नेम है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 ओके। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं IE10। सो IE10 हमारा न्यूएस्ट वर्जन है वेब ब्राउजर का ओके। न्यूएस्ट वेब ब्राउजर है जिसे किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। सो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू दीज टू एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एज वेल एज इन योर बुक। आपको अपनी नोटबुक में भी करनी है ये एक्सरसाइज और बुक में भी करनी है ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।